देखिए कितना उसको निकालिए। डीएम के साथ मिलने के लिए गए थे, डीएम गए थे आज, बच्ची अभी गई थी जो अनुराग की बहन थी उनके पिताजी, और आश्वासन एसडीएम साहब को दिए और चार बार कहे कि हिला हिलवाली मत करना डीएम साहब, उसको उन्हें तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं अभी है, नहीं आए ही नहीं। हाँ, क्या बोले थे आपसे आने के? कहे थे कि हम अभी चल रहे हैं, चलिए, कहे थे चलिए हम चल रहे हैं, अभी तक आए नहीं, उनका इंतजार हो गया करते करते शाम, अभी तक आए तहसीलदार साहब आए हैं तो पूरा गांव नाप रहे हैं, पूरा गांव नापने थोड़ी आए हैं, और नाप कराएंगे और हत्या कराएंगे क्या? सबसे वो डांड निकली प्रिया सरो सांसद मछली शहर में, सबसे उसको हम लोग वोट दे के पछता रहे हैं, जिससे तो आज तक आज सातवें आठवें दिन उसको तो पहुंच जाना चाहिए, जिस दिन हत्या हुआ उसी दिन, उस दिन अपने घर बैठी थी। अच्छा, घर बैठी थी और क्या? आपसे मुलाकात हुई प्रिया सरोज की? हमसे नहीं हुई, हम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपसे मुलाकात होगी तो जिसको करेंगे ही नहीं, त्याग दिया उससे कभी जीवन में नहीं आएगी, तो समझ में आ जाएगा। प्रिया सरोज है, हम लोग जान नहीं पाए, जो गाँव के प्रधान है वो तहसीलदार से बना हुआ यही बात कहेंगे, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि अभी जो है एसडीएम साहब यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तत्काल रूप में नए तहसीलदार जो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि अभी हम लोग यूपी जौनपुर के कबरुद्दीन गांव में हैं और अनुराग यादव के घर पे, और आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई आप ये देख सकते हैं, लगातार राजस्व टीम जो है अब वो राजस्व टीम जो है आ चुकी है लालता यादव के घर का बराबर पैमाइश करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पूरी यहाँ पे राजस्व टीम है और यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं, और लगातार अगर गांव के लोगों की बात किया जाए तो गांव के लोगों की ये एक मांग थी कि इस पर कहीं कहीं अगर अवैध इसका घर बना है तो इस पर बुलडोज़र चलना चाहिए, बुलडोज़र एक्शन के लोगों की मांग थी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं अब जो है ये पूरी तरह से प्रशासन की टीम के साथ राजस्व टीम जो है वो अब पूरा पैमाइश कर रही है, अब देखिए आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन गाँव के लोग जो हैं ये लगातार हमेशा मांग कर रहे थे इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, क्या भैया क्या लग रहा है? सही बात है भाई, उनका भाई सजा दे भाई, क्या ही कड़ा कड़ा भाई। अभी आज राजस्व की टीम आ गई है पूरा पैमाइश कर, आना नहीं गलत हुआ है भाई, बिल्कुल गलत हुआ है, वो गलत बहुत हुआ। क्या चाची, आज राजस्व टीम आ गई है, पैमाइश हो रही है, लगातार परिवार वाले मांग कर रहे थे। हाँ साहब एकदम हो, मंजूर हो। हाँ मैं उसका बुआ है बच्चे का। अच्छा, हाँ साहेब। आप बुआ? हाँ बुआ है साहेब, हमने के एक कल बेटा खाए गए साहेब जगह छोले के साथ, इतनी हमारे एक भाई एक भतीजा रहा, हमने अच्छा दिन का दाना पानी। बुआ जी हैं कहीं कहीं अभी भी, हमने आज यहाँ खमने का जन्म होती, हमने कुल जाना था जैसे जैसे कह लिया, एक एक घर घुमा रहा ना वहाँ से डाक के ये सब पूरा कब्जा, कुल कब्जा कह लो साहेब, पूरा कब्जा कर, खाली पलवार खातिर ना, आज पलवार रुपया और रुपया खातिर मरवा जाने मेरे भतीजे। हाँ जब जब सिपाही दरोगा हम सब चल जाए, कुछ ना करे, फोन करे कुछ ना हो। हाँ हमने आज के ना यहाँ हमने के जन्म भयल। हाँ प्रभु हमने ये कहा थे उस जिंदगी में यहाँ आवे ना उनका कुल सम कह दे, हाँ उनका खेती बाड़ी कुल नीलाम कह दे। हाँ तब हमने सब गुरु हो। हाँ लगातार परिवार की ये मांग थी कि इसका घर पे बुलडोजर चलना एकदम साहेब। आज एसडीएम के मौजूदगी में राजस्व की टीम आई है पूरा। हाँ हाँ एकदम साहेब, हाँ हमन के मंजूर हो। हाँ हमारे जी हमने कहते उजार दिल भले कुल दे अल्लाह देखा ने भरौली हो, सब कुछ आँखी देखा खून देखा वहाँ जमल हो। हाँ कोई नहीं रहा, खाली दो आदमी रहा, वही झंखारी में से तलवार लेके निकल हो भोकी दले हो। हाँ प्रभु हम ये खावा कुछ ना खा। हाँ। तो आइए अभी पीछे भी हम दिखाते हैं पूरी तरह से राजस्व टीम जो है अब वो लगातार लालता के घरों को चिन्हित कर रही है, आखिरकार अगर जीएस में ये घर बना होगा तो बाबा का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो बाद में देखने को होगा। लेकिन यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं पूरा जो है राजस्व टीम जो है ये कहीं ना कहीं पूरा पैमाइश के लिए लगी हुई है। क्या भैया क्या लग रहा है, पैमाइश हो रही है? हाँ पैमाइश हो रही है, नाप हो रही है, जो देखिए आपके सामने तहसीलदार साहब हैं। अब जो है कुछ उम्मीदें जो हैं, अब आज जो है हम सब जो है हाँ जग रहे हैं, हम सब जो है डीएम साहब के यहाँ आश्वासन लेके गए थे अपना कैंडल मार्च निकाल के, और डीएम साहब तत्काल जो है एसडीएम साहब को बुला के कार्रवाई करने के लिए जाकर आप नपवाइए जमीन, और प्रधान जी जो हमारे लगे हैं
वो पूरी जमीन नपवा रहे हैं। अब कुछ आश्वासन लग रहा है, लेकिन जब तक घर ध्वस्त नहीं हो जाता तब तक हम सब की मांगे रहेंगी कि इनका घर जो है गिरना चाहिए। अपराधी हैं और माननीय जो जितने सूबे के मुख्यमंत्री उनका भी ये नीति है कि जो अपराधी उनका उनको घर से बेदखल किया जाए, और घर अब बेदखल होने कगार पे हो चुका है। यहाँ पे नाप वोप हो रही है बहुत अच्छे। डीएम साहब आए हैं कि नहीं? नहीं, एसडीएम साहब नहीं आए हैं, और डीएम साहब के तहसीलदार साहब आए हैं, और बाकी जो अधिकारी हैं थाने से, हाँ राजस्व विभाग और सब भी अधिकारी आए हैं, और एसओ साहब भी हैं, नाप करवा रहे हैं साथ में। हाँ, पूरा पुलिस प्रशासन के भी प्रशासन की टीम लगी है। हाँ, नाप हो रहा है। हाँ, नाप हो जाएगी अब जल्द, और नाप से ये नाप तो हो गई, लेकिन डीएम साहब बोले नाप के बाद तुरंत कार्रवाई हो। डीएम साहब खुद बोले हैं नाप के बाद तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत इसका मकान जो है ध्वस्त किया जाए। आज 5 दिन हो गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज कुछ उम्मीदें हम सबके और ग्रामवासियों की सबकी जगी हैं। हाँ, कि अब इसका घर जो है गिर जाएगा, और गिरना भी चाहिए। क्या दादाजी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है? हाँ, अब हो जाएगा? अब क्या होगा साहब, अभी अधिकारी लोग जब करेंगे तब ना। हाँ, तो फिर अधिकारी लोग तो आ गए हैं, डीएम साहब ने आदेश, अधिकारी लोग चाहे होते तो ना होता। बता रहा हूँ साहब, कोई आदमी के मुख से निकल रहा है कि इसका घर ना गिरे, या जो है किसी के उसका बचा दिया जाए, उसका जबर किया, किसी के मुंह से निकल रहा है, यहाँ पर इतनी पब्लिक जुटी हुई है, नहीं किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। तो फिर तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो अभी जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, क्या लग रहा है कि हो जाएगा एक्शन? अब आओ तो अधिकारी लोग जाने साहब। तो आप ये देख सकते हैं प्रशासन की पूरा टीम और राजस्व की पूरा टीम जो है, अब वो लालता यादव की, ये वही घर है, देख सकते हैं आप, ये वही घर है, और ये घर जो है वो कहीं न कहीं जीएस में बनाया गया है। और उधर पीछे के घर हम चाहेंगे इसको पूरा दिखाया जाए, पीछे पीछे इधर भी घर, और ये दोनों घर जो है वो जीएस में बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं, और इधर देखिए पूरी पूरी प्रशासन की टीम जो है वो कहीं कहीं लगी हुई है, और राजस्व की टीम जो है पूरा पैमाइश के लिए लग गई है मित्रों। तो आप ये देख सकते हैं, अब जो एक जो लोग कह रहे थे कि बाबा का बुलडोजर जो है वो कब काम करेगा, पूरा गांव जो है वो एक सुर में ये बोल रहा था कि बाबा का बुलडोजर आखिर कब चलेगा। तो कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर लोगों को ये भरोसा था कि इस प्रकार के जो भी कृत्य करता है वो कहीं कहीं एक मैसेज भी जाता है समाज में कि उसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। अभी देखिए इधर भी, इधर पीछे भी प्रशासन की टीम और पूरा राजस्व की टीम जो है वो कहीं कहीं चेक कर रही है, और ज़मीन को जो है वो जाँच पड़ताल में, देखिए ये गेहूँ वगैरह वही है, इसके घर से निकाल कर जब ये लालता को जब गिरफ्तार किया गया था तो इसमें ये चेक किया जा रहा था कि इसमें वेपन्स वगैरह तो नहीं है, तलवार कहाँ पे रखी गई है जिस तलवार से वो इस घटना का अंजाम दिया था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ये वही बाथरूम है जहाँ पर वो तलवार उलवार ले आके धो के रखा था, और पूरा यहाँ पर सारी चीज़ें जो प्रशासन की टीम जो थी वो लगी थी, और पूरी तरह से उसको बरामद किया गया और सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन कार्रवाई के लिए लगातार जो है वो लोग मांग कर रहे थे कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। पूरे गाँव के लोग हैं, और देखिए अभी इस घर का भी माप किया जा रहा है, उधर आगे जो नया वाला घर बना है उसका भी माप किया जा रहा है। क्या चाचा जी, अभी राजस्व की टीम आ गई है, पूरा जांच किया जा रहा है, क्या लग रहा है कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, बहुत जल्द कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ खुल के, मतलब ऐसे लोगों का बिल्कुल छोड़ना माफ, मतलब छूटना माफ है, मतलब अवैध है तो बिल्कुल गिरना चाहिए। अवैध है? हाँ बिल्कुल अवैध है। जी जी जी, पूरा जीएसी पूरा यहाँ से लेके पूरा रोड तक पूरा कब्जा किया हुआ था, जबरदस्ती सीना चोरी ऊपर सीना चोरी कर रहा है। गाँव में क्या कुछ खौफ था चाचा लालता का? लालता का दबंग था। हाँ, दबंग था लड़का जब से दरोगा बना था तब से कि पहले? नहीं नहीं, दरोगा जब से बना था उसका मिजाज और आगे था। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो आगे से आगे चल रहा था, मतलब कार्रवाई उस पर, मतलब क्या है कि वो जब से वो दरोगा हुआ है। हाँ, तब से उसका वो मतलब उसके पीछे सब कुछ कर रहा था। हाँ, उल्टा उसको दरोगा साहब बचा लेते थे, दरोगा ही बात दरो बचता था। यही दरोगा भी तो गिरफ्तार हो गया है। हाँ, दरोगा गिरफ्तार हुआ है। हाँ, दरोगा गिरफ्तार हुआ है, और फोन से सबसे ज्यादा घटना के एक दिन पहले और घटना के एक दिन बाद सबसे ज्यादा फोन से बतियाया था घर। हाँ बिल्कुल बतलिया था। हाँ, उसका रिटाल पकड़ाया है। बिल्कुल 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 लगी थी पुलिस प्रशासन। अच्छा, क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रही है, अब क्या लगता है कि एक्शन हो जाएगा? ऐसा लगता है कि मतलब वो गिरेगा जरूर। अगर नहीं गिरता है तो गिराया जाएगा उसको। गिराया जाएगा? हाँ बिल्कुल गिराया जाएगा। लेकिन गिराया जाएगा? बिल्कुल गिराया जाएगा।
देखिए अभी ये राजस्व की टीम, अभी आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से माफ हो रहे, प्रधान जी भी आ गए हैं अभी पूरा। प्रधान जी क्या लग रहा है कार्रवाई से? कार्रवाई से जब न पर रहा पूरा गांव ना अपने आए हैं तहसीलदार साहब तो क्या होगा। हम तो कहे थे डीएम साहब कहे थे कि जितना उसका कब्जा है उसको नाप के देखिए कितना, उसको निकालिए। डीएम के साथ मिलने के लिए गए थे? डीएम गए थे आज, बच्ची अभी गई थी जो अनुराग की बहन थी उनके पिताजी, और आश्वासन एसडीएम साहब को दिए और चार बार कहे कि हिला हिलवाली मत करना डीएम साहब, उसको उन्हें तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं अभी है, नहीं आए ही नहीं। क्या बोले थे आपसे आने के? कहे थे कि हम अभी चल रहे हैं, चलिए। कहे थे चलिए हम चल रहे हैं, अभी तक आए नहीं, उनका इंतजार हो गया करते करते शाम, अभी तक आए तहसीलदार साहब आए हैं तो पूरा गांव नाप रहे हैं, पूरा गांव नापने थोड़ी आए हैं, और नाप कराएंगे और हत्या कराएंगे क्या? जितना है बस उतना ही करावे, जितना इसका कब्जा है उसी को पूरा, जितना हत्यारा का कब्जा है बस उतना ही नाप होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा गांव थोड़ी नापने आए, पूरा गांव नापे। तहसीलदार साहब तो कह रहे हैं कि पहले ये चिन्हित किया जा रहा है कितना जी। अरे चिन्हित हम कराए हैं, लेखपाल से नपवाए हैं, जानते हैं जो हम बता रहे हैं नापे उसका, पहले इसका नापे जो हत्यारा है, तो पूरा जीएस निकालने आए पूरे गाँव का। क्या लग रहा है गांव में जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, क्या लग रहा है चाचा जी? अभी हो जाएगा तो आप ये देख सकते हैं लगातार अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो लगातार राजस्व की टीम जो है वो कबरुद्दीन गांव में है, और लगातार लोगों की ये मांग थी कि आखिरकार बुलडोजर कब चलेगा। तो आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे पहुँच गई है, पूरा टीम पहुँच गई है, राजस्व टीम जो है अब ये पूरी तरह से नाप तौल जो है, नाप जोख जो है वो लगातार कहीं कहीं कंटिन्यू चल रहा है, और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या कुछ आदेश आता है, ये तो आपको देखने को होगा। चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।